हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू। और जो आज प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वह है आई शेडो। सो फ्रेंड्स, यह मैंने आई शेडो मंगाई है, स्विस ब्यूटी हिलारी रोडा की आई शेडो है जो मैंने अमेजोन से मंगाई है, जिसका मैं आज आपको फुल रिव्यू एंड डैमो देने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल आई शेडो है, आप देख सकते हैं कलर बहुत ब्यूटीफुल है, आप कई तरह से लगा सकते हैं। इसके अंदर जो कलर है वो फ्रेंड्स, आप इसे आई शेडो के तौर पे भी लगा सकते हैं, इसे आप ब्लशर के तौर पे भी लगा सकते हैं, हाइलाइटर के तौर पे भी लगा सकते हैं। उसका मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मैट और ग्लिटरी दोनों आई शेडो मिल जाएंगी आपको। और साथ ही फ्रेंड्स, आप पिगमेंटेशन देखिए कितनी प्यारी पिगमेंटेशन है सी। सो मैं आपको इसके फुल स्विचेस भी दिखाऊंगी और साथ ही आपको इसका फुल रिव्यू एंड डेमो भी देने जा रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो चलिए अब आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लूज पाउडर लगाया है अपने आईज के नीचे और ऊपर कंसीलर लगाया है जिसे मैं सेट कर रही हूँ लूज पाउडर से ही। और अब उसके बाद मैं यहाँ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आई शेडो ली है, सबसे पहले ग्लिटरी पिंक शेड लिया है मैंने और उसे मैं आई लिड एरिया पर लगा रही हूँ। सो बहुत ही ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं। यह है आई शेडो जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी अपने गोल्डन, सिल्वर या फिर पिंक शेड में ग्लिटरी शेड लेना है और उसे अपने आईलिड पे अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ जिसे मैं क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ। सो इन और आउट करके आपने इसी तरह से अप्लाई करना है। यहाँ मैं दोनों आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं लाइट शेड ले रही हूँ और अब उसके बाद मैं थोड़ा सा उससे डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ब्राउन शेड लिया है और इसे भी मैंने पहले अच्छी तरह से बाहर लगा लिया है आउटर व्यू एरिया पर। और उसके बाद मैं इसे इन और आउट करके ही अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है फ्रेंड्स। सो जस्ट आपने इसी तरह से करना है और ब्रश की मदद से जो भी आपकी थोड़ी सी क्रीज पड़ी हुई है या अलग से कुछ दिख रहा है लाइंस, तो उन्हें आपने इन और आउट करके जस्ट सेम लाना है। सो बस, और कुछ भी नहीं करना है। और बाद में जस्ट आपको थोड़ा सा अगर लगे कि आईलिड पे थोड़े से ग्लिटर कम है तो आप दोबारा से रीअप्लाई करिए। बस इसके अलावा मैं यहाँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। सो अगेन मैंने यहाँ रीअप्लाई कर रही हूँ जस्ट ग्लिटरी शेड। सो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें जो वाइटी शेड में आई शेडो है उसे मैं हाइलाइटर के तौर पे अप्लाई कर रही हूँ।
सो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर के तौर पे आपका अप्लाई होता है। इन्हें मैं इनर वी एरिया पे भी और ब्रो बोन एरिया पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं म्यूज़िक फ्लावर का आईलाइनर लगा रही हूँ, जेल आईलाइनर है, बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ब्रश भी आपको मिलता है और साथ ही आपको इसके साथ ब्लैक के साथ ब्राउन कलर भी मिलता है। सो बहुत ही अच्छा जेल आईलाइनर है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है फ्रेंड्स। जस्ट आपको 150 रुपीज़ में 2 आईलाइनर मिलते हैं विद ब्रश। सो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ, NYB का काजल है, बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है। रिव्यू मैंने आपको सबके दिए हुए हैं, आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। और नीचे की साइड पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो लगा रही हूँ और उसके बाद जस्ट मस्कारा लगा के मेरा लुक कंप्लीट होता है। जब आपका लुक कंप्लीट हो जाए, आपने ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना है। सो आप देख सकते हैं यह आई शेडो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी पिगमेंटेड है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए, काफ़ी अफोर्डेबल आई शेडो है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू, मुझे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से जाकर। बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही ग्लिटरी और बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है, आप इसे कई तरह से जैसे मैंने बताया कि यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, योर टेक केयर।